मोदी इतना मान क्यों है? देखो सब गाली देते साहब, पर हजम कर गया हुआ। चौकीदार चोर है वो बंदा, चश्मा उसमें लगा के बाल पीछे करके एसपीजी पीछे घूमती रहती। पत्रकार पूछते कि सर वो आपको लोग बहुत गाली दे रहे हैं और आपको चौकीदार चोर है कह रहे हैं। नहीं नहीं बेचारे, ऐसा नहीं, ऐसी ऐसी बातें आप मत करिए, मेरी जनता मुझसे बहुत प्यार करती है। नहीं नहीं सर, गाली दे रहे मनोज तिवारी है। उससे एंकर ने पूछा आप इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ाएंगे? कहा हम कहाँ बढ़ाएंगे, मोदी जी बताएंगे हम बढ़ा देंगे। वीडियो है नहीं उसका? हम कहाँ बढ़ाएंगे, हमारे नेता मोदी जी वो बताएंगे, हम ऐसे आगे करके बढ़ा देंगे। अरे कहा आपने कहा कि दाम वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। हाँ बढ़े हैं बिल्कुल, तो आप वस्तुओं के दाम कैसे कम करेंगे? देखिए करप्शन जो है, बोले करप्शन छोड़िए, आप वस्तुओं के दाम कैसे कम करेंगे? नहीं अराजकता समाज में बहुत है। अरे वो सब बोले छोड़िए, देखो गुस्सा ही नहीं करना, पता है जवाब नहीं देना वे जाओ। संबित पात्रा से तुम कोई सवाल करो वो उल्टा लेके चला जाता है कि एनआरसीसी से मुसलमानों को देश के खतरा, देखिए राम मंदिर तो बनना ही था। अरे तुमने कहा भैया एनआरसी की बात, देखिए सब मुद्दे जुड़े हैं, पत्थर आ चुका है, ट्रस्ट बन चुका है, वो पत्रकार ऐसे बैठ गए। अच्छा चलिए मंदिर बता लिया आपने, अभी बताइए कि एनआरसी का मुसलमान विरोध क्यों कर? देखिए पाकिस्तान हमारे लिए खतरा पहले भी था। अब एक आम आदमी हो गुस्सा कर जाए, उल्टे सीधे सवाल कर रहे हो, नहीं बड़े लोग जवाब ही नहीं देना तुमको, जाओ जो बिगाड़ना बिगाड़ लो, और पब्लिक भी ताली बजाएगी। हाँ पाकिस्तान